हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशील ब्राइटविंग और आप देख रहे हैं ब्राइटविंग इंस्टीट्यूट का चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज है 1.3। तो हमारा पहला टॉपिक है सबसेट। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास टॉपिक है सबसेट, इसमें बोला गया है अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब अगर सेट ए है तो वो सेट बी का सबसेट तभी कहलाएगा इफ All elements of set A exist in set B, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए के होंगे वो सेट बी में आएंगे, तभी हम लोग उसे सबसेट कहेंगे। दिखाने का तरीका कैसे होता है, सेट ए अगर सेट बी का सबसेट है तो उसके लिए हम लोग साइन लगाते हैं, इस तरीके का एक साइन होगा, इसको हम लोग सबसेट का साइन कहते हैं। तो हम लोग इस तरीके से ये साइन यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लोग बोलते भी से ऐसे ही है सेट ए सबसेट है सेट बी। हाँ, तो जैसे हमारे पास में हम लोग अभी सबसेट के बारे में जानने वाले हैं, तो हम लोग एक सेट निकालते हैं। मान के चलिए ये वैक्स क्रियोन का सेट था, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये वैक्स क्रियोन को निकाला और इसको हम लोग अरेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो कुछ जैसे मेरे पास ये वैक्स क्रियोन था तो मैंने इसको एक सेट बोल दिया। अब ऐसे ही मैं एक और सेट बनाऊंगा इस वैक्स क्रियोन से, और इसे भी ध्यान से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास में एक सेट है, डन। तो अब हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसेट में हम लोगों को ये कहा जाता है कि अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट्स देखता हूँ तो मुझे पता चलता है इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स आप काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं 12, क्या इस सेट में भी सेम उतने ही एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और साथ में एक और चीज़ चेक करना कि इस सेट में जो जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स क्या इस सेट में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे इस सेट के अंदर आपको यहाँ पे क्रीम कलर मिलता है, इस सेट में क्रीम कलर मिलता है, तो आप ये नोटिस करोगे कि सारे के सारे जो ये कलर हैं वो इस सेट में भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इस सेट को इसका सबसेट कहते हैं। तो सबसेट का एक छोटा सा और एग्जांपल है, जैसे इसके अंदर आपको सेट में मिलते हैं 5 एलिमेंट्स। ध्यान से देखना इनके कलर्स को, और इस सेट में भी आपको सेम जो यहाँ पे एलिमेंट्स मिल रहे थे वो इसमें अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं आप इसे एक बार दोबारा से नोट करना, क्रीम है, ग्रीन है, ऐसे ही यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ये ब्लैक और यहाँ पे ये ब्लू। तो इस सेट में ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। क्या ये एलिमेंट्स इस सेट में मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि आप अगर देखना चाहते हो क्रीम, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक एंड ब्लू, तो इस सेट में भी सेम ये एलिमेंट मिलते थे, इसीलिए आपका ये कहा जाएगा कि सेट ये जो है ये ए सेट इस सेट बी का सबसेट है। हमारा अगला टॉपिक है इंटरवल्स ऑफ सबसेट। तो इसके अंदर हम लोगों को बस एक चीज़ सीखना है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स हैं, ओपन इंटरवल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ इस तरीके का दिखता होगा। जहाँ पर भी हमारा क्लोज इंटरवल होगा वहाँ पर हम लोग ये राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब जो भी एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं तो वो ओपन में जाएंगे, और क्लोज का मतलब होता है जब आपको एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं तो वो आपका इसमें राउंड है। तो हमारा अगला टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हम आपको बोलती है द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। मतलब किसी भी एक सेट ए का सबसेट्स का कलेक्शन ले लो आप, और जितना भी जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब उसी को हम लोग उसका पावर सेट कहते हैं। इसको दिखाया कैसे जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय पी, ऐसे आप लोग राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे पी, और यहाँ पे आपका ए आ जाएगा राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करने का। इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। मान के चलो अगर आपको पावर सेट्स के अंदर कितने आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये काउंट करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है का, हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। इसका मतलब m का मतलब है जो भी आपने सेट ए लिया था
उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसे यहाँ पे बस लिख दिया जाएगा और यहाँ पे इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया जाएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सेट रखा है। इस सेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो एलिमेंट्स हैं, देन आपके पास में लाइट ग्रीन है और एक ग्रीन, लाइट ग्रीन है आपके पास। अब हम लोग इसके सबसेट बनाएंगे। तो जब हम लोग इसके सबसेट बना रहे होंगे तो पहला हम लोग जो सेट बनाएंगे उस पर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी था नल सेट, वॉइड सेट। तो एक सेट ये होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसे हम लोग फाई सेट बोलते हैं। दूसरा एक इसका सबसेट होगा जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। तो क्या इस ये एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होता है, इसमें अवेलेबल है? यस है। तो इसीलिए ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा। तो एक ये भी सबसेट हो गया, ऐसे ही एक ये भी इसका सबसेट कहलाएगा क्योंकि ये एलिमेंट भी इस सेट में प्रेजेंट है। तो ये भी इसका एक सबसेट हो गया। और लास्ट यहाँ पे एक ये जो दो एलिमेंट्स लिए गए हैं ये भी इस सेट में मिलते हैं, यानी कि ये भी इसके सबसेट हो गए। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे चार सबसेट मिलेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो यही कलेक्शन ऑफ पावर सेट जो आपके पावर सेट होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट जो आपके पास सबसेट बने उनके कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं कि ये सेट है कोई क्रियॉन्स का, इस सेट को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं हम लोग। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं एक पूरे कंप्लीट वैक्स के क्रियॉन्स में कितने एलिमेंट्स मिलते होंगे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं इस सेट को निकालता हूँ तो टोटल मिला के मुझे 12 यानी कि 12 क्रियॉन्स मुझे मिलते हैं। तो ये जो 12 क्रियॉन्स हैं ये इसके लिए यूनिवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पे इस सेट का यूनिवर्सल ये सेट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जाके कमेंट में वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।